Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपना शॉपिंग हॉल वीडियो. तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ अपने सैंडल्स. मुझे शू और सैंडल्स बहुत पसंद है तो मैं लेती रहती हूँ, तो मुझे डांट करती रहती है. ये मैंने लिया फॉरएवर से. मैं इसकी वीडियो भी अपलोड करूँगी कुछ टाइम में. मैं जहाँ से मैंने ली थी ये थियेटर में फॉरएवर का शोरूम है वहाँ से ली थी. तो ये है मेरी सैंडल्स. मैंने बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही क्लासिक हैं. यहाँ पर दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर हैं ये. जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी प्यारी लग रही हैं पहन के. इनको मैं सूट के साथ भी पहन सकती हूँ और जींस के साथ भी पहन सकती हूँ. तो इसीलिए मुझे ये अच्छी लगी क्योंकि मुझे थोड़ी कम हील्स में चाहिए थी. वैसे इसकी हील्स भी काफ़ी ज़्यादा है बट ये थोड़ी कंफर्टेबल हील हैं और ग्लास हील्स हैं ये. जैसे कि दिख रही है आपको इतना प्यारा ग्लास हील का और काफ़ी प्यारी लगी है मुझे. तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ. और इसके बाद नाइक का कुछ ऑर्डर किया था जो कि है हमारा ये पैलेट. बहुत ही अच्छा है. इसमें है हमारा नेशनल फेस का है फेस का. तो ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है. कम हो गया था मेरा पुराना वाला, मैंने नया ऑर्डर किया. और फिर उसके बाद मैंने ऑर्डर किया था ये पैकेट. मैंने खोल दिया था, मैंने नहीं मम्मी ने खोल दिया ऑर्डर. तो मैं रुकते हैं जिसके लिए पैकेट आया था नायका से किया था मैंने ऑर्डर. तो उसके बाद मैंने ये चॉमसी मिलानो का फाउंडेशन लिया हुआ है. ये भी आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है. वैसे तो मैं और करती हूँ यूज़ बट अभी मैंने सोचा कि मैं चावल से मिलान करती हूँ यूज़. तो पैकिंग काफ़ी अच्छी थी इसकी और मैंने एक बार वैसे ट्राई भी कर लिया है ये तो मुझे अच्छा लगा. ये इसका पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा ही और अंडर बजट है. ये है आपका 1100 या 1200 का पड़ा मुझे. मेरा शेड है पहले इसमें ज़्यादा शेड्स नहीं आते थे बट अभी इसमें बहुत शेड्स आ रहे हैं. तब भी ऑर्डर करी थी मैं बट अब तक काफ़ी शेड्स आ रही है. बट इसमें ज़्यादा शेड्स हो गए हैं. इंडियन स्किन टोन, इंडियन स्किन टोन पर पड़ी हुई बहुत ज़्यादा शेड्स आ चुके हैं. तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं. बहुत ही अच्छी कवरेज है और दिन भर बहुत अच्छे से रहता है ये. और ये टू फेस्ड का मैंने ये लिया है पैलेट. इसमें आप ब्रॉन्जर्स हैं और ब्रश हैं और हाइलाइटर्स हैं. तो ये भी बहुत सारा है. ये 4200 का है. ये मेरा फेवरेट है ये वाला. तो और मैंने स्विस ब्यूटी का भी काफ़ी समझ लिया. मैंने इससे पहले स्विस ब्यूटी का जस्ट लिपस्टिक यूज की थी वो काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे. तो इस बार मैंने स्विस ब्यूटी का काफ़ी सारा सामान ऑर्डर किया था. तो सबसे पहले बात देखते हैं इसकी जो कि है मेकअप सेटिंग स्प्रे. बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है इसकी पर्पल कलर में. और इसका सेटिंग स्प्रे मैंने यूज़ नहीं किया है तो जब यूज़ करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी इसको यूज़ करके. और ये देख सकते हैं आप देखती हूँ अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं अगेन इसको ऑर्डर करूँगी. इससे पहले मैं कुछ और प्रोडक्ट यूज़ करती थी सेटिंग स्प्रे. और इसके बाद मैंने लिया है कंसीलर जो कि मेरा नंबर है शेड इसमें हाँ मीडियम मोइन करके 05 है. ये बहुत ये मैंने यूज़ कर लिया ये काफ़ी अच्छा है. तो अच्छी है इसका जो मतलब लगाना काफ़ी ईजी है और अच्छा है. उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये लिप्टन कल मस्कारा जो मैंने अभी ओपन तक नहीं किया हुआ है. वॉल्यूम देगा ये 40 मस्कारा है. वॉल्यूम तो ये डेफिनेटली देगा मुझे. वॉल्यूम मस्कारा और ये मैंने एक और चीज़ ये बहुत महंगा था गाइस. तो ये मैंने कभी कभी रख लिया है कि कभी कभी यूज़ करूँगी नहीं तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है. पिछला वाला भी मेरा ख़त्म हो गया था बहुत जल्दी. तो इस बार मैंने एक और साथ लिया है ब्यूटी का. मैंने सोचा थोड़ा चीपर भी ट्राई करते हैं महंगे के साथ. तो ब्यूटी का ब्रशर पैलेट है ब्रशर एंड हाइलाइटर मिक्स है.
ज़्यादा ये हाईलाइटर है, वैसे हाईलाइटर ब्रश है ये, ब्लश तो नहीं करेगा इतना, बट ये मैंने ट्राई किया था इसमें तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब ये टू फेस्ट के कंपेरिजन का बोल सकती हूँ मैं, तो मैं तो बोल सकती हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये चीपर है और छोटा भी है ना ये, तो इसमें सिर्फ हाईलाइटर है, इसमें तीन चीज़ें हैं, ब्रॉन्जर, हाईलाइटर और ब्लश। तो ये तो शायद कुछ 350 और 400 होगा मुझे, कुछ मुझे याद नहीं है अच्छे से, और ये भी कुछ अराउंड ये जो मस्कारा था ये है 400 का, जो कि क्विड में है, मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ उसको, ये 300 का है, ये शेड है, लिखा नहीं हुआ है, तो ये बहुत अच्छी पैकेजिंग है इसकी, देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा है ये, मैंने ट्राई किया है अभी, इस वक्त मैंने यही लगाया हुआ है अपने फेस पे, तो मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डार्क कलर बट अभी के लिए मैंने इतना डार्क नहीं लगाया हुआ, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये वाला ब्रश, ये भी अराउंड 300 सारा। और इसके बाद जो है नेक्स्ट ब्रश जो है क्लोथ्स, उसके बाद मैंने H&M से लिया अपने लिए, वैसे तो मैं जीन्स लेने वाली थी तो मैंने बस एक लेगिंग भी ले ली, बहुत ही अच्छी है ये, फ्लेयर्ड है नीचे से, इतनी ज़्यादा फ्लेयर्ड नहीं है, स्ट्रेट का आजकल फैशन नहीं रहा है इतना ज़्यादा, तो कुछ फ्लेयर्ड चीज़ें चल रही हैं या कुछ बहुत वूलन अच्छी चीज़ें चल रही हैं, मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी, मैंने पहन ली है एक बार वैसे ये, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, मैंने ट्राई की थी मतलब, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ये है इसका साइज़ नहीं था मेरा, तो मैंने ये वाला लिया मरून वाला, मुझे लाइट शेड चाहिए था, जब भी मुझे लाइट शेड चाहिए होते हैं मेरे साथ यही होता है, मुझे लाइट शेड मिलते ही नहीं है, मुझे हमेशा डार्क शेड्स मिलते हैं, मैं लाइट शेड लेने का आती हूँ, वेडिंग के टाइम भी मैंने अपना जो रिंग सेरेमनी का आउटफिट था मुझे लाइट शेड भी चाहिए था, बेज कलर में या कुछ ऐसे कलर में, पेस्टल कलर में, तो पर मुझे मिला नहीं था, एट द एंड मुझे जो भी मिला मैंने ले लिया, क्योंकि काफ़ी अच्छी है ये वाली कुर्ती मेरी है, वो वाली मम्मी की थी, ये देखिए लगा के दिखाती हूँ मैं आपको, कितनी प्यारी लग रही है, मैं पहन के दिखाऊंगी कभी आपको, तो अगली वीडियोज में हम पहन के दिखाऊंगी, ये बहुत ही प्यारी कुर्ती है, ये पड़ी है हमें 1100 की, इसका काफ़ी ट्रेंड भी चल रहा है और शॉर्ट कुर्तीज भी होती हैं इसमें। और इसके बाद मैंने लिया है वाइट लेगिंग्स,
मम्मी का बर्थडे था तो मैं मम्मी के लिए सूट लेके आई थी, मैं और पंकी सूट लेके आई थी, बहुत ही सुंदर है। और इसका दुपट्टा मम्मी ने पता नहीं कहाँ डाल के लिया है अपने लिए, बहुत ही प्यारा सूट है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला सूट, सोबर सा है, समर सा पहनने के लिए बहुत ही अच्छा है, इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा है। तो ये मैंने लिया है, ये मैंने आते आते सरस मेले से लिया था मंडी में, तो बस मैं यही उठा के ले लाई थी। एक काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी वेराइटी चीज़ें हमारी आज के उसमें, ये H&M से टी शर्ट ली थी, तो ये ली है वाइट शेड में, एक ली है ऊपर इसके लिए काफ़ी पट गया है मुझे क्योंकि ये मैंने पहन ली थी, तो ये है शेड ऑफ ब्राउन, तो ये भी बहुत प्यारी है। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।